सिद्धार्थ नगर निकाय चुनाव में तेजी आने के साथ ही विभिन्न पार्टियों के नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रविवार को सिद्धार्थ नगर जिले के कांग्रेस के कद्दावर नेता नौगढ़ ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्हें भाजपा कार्यालय पर भाजपा के जिला संयोजक कन्हैया पासवान की मौजूदगी में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विजय सिंह ने भाजपा के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए भाजपा प्रत्याशियों को हर संभव जिताने के लिए कार्य करने की बात कही और कांग्रेस पार्टी पर उनके अनदेखी करने और उन्हें उचित स्थान ना देने का आरोप लगाया। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजीव राय मीडिया से बात करते हुए कहा कि अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आने और सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव की तरफ है। कल भी माननीय राधारमण त्रिपाठी जी, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। आज कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख या नौगढ़ के, और जिनका जनता में पूरा सीधा संपर्क है, ऐसे आदरणीय विजय सिंह जी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। हमारे जिले के संयोजक आदरणीय कन्हैया पासवान जी ने उनको पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। निश्चित ही नौगढ़ नगर पालिका के अलावा पूरे जनपद में जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं उसमें ये अच्छा संदेश जाएगा और निश्चित नगर पालिका का चुनाव जनपद सिद्धार्थ नगर में हम सभी नगर पालिकाओं को चुनाव जीतेंगे। क्या आने वाले दिनों में और भी उम्मीद रखते हैं इस तरह की? जी, नित्य प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग होती रहेगी। तरह तरह के जो भी खराब मंसूबे पाल करके जो बैठे हुए हैं उनको ये मेरा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति पाति विचारधारा पंथ मजहब की नहीं, ये सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करने वाली पार्टी है। निश्चित सबका विकास होगा और सबका साथ भी मिलेगा। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।